गलती भी ऐसी के ना काबिले तलाफी, बहुत देर हो चुकी थी। के लिए जाने के लिए हमें इस इलाके को पहले सर करना था, जिसका नाम मुझे नहीं पता, शायद अरंकेल ही इसको शायद कहते हैं। और इधर से फिर हमने चलो ट्रैकिंग का बकायदा एक काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हमने सिक्स स्टिक भी ले लिए ताकि जो हमें सहारा मिल जाए। हाँ, देखते हैं कैसे जाती है घंटे की ट्रैकिंग। इधर से फिर हमने अपनी एक केबल कार पकड़नी थी और केबल कार के थ्रू दूसरी साइड पे ट्रांसफर होना था, और उससे फिर आगे हमारी हाइकिंग थी। हाइकिंग करते हुए आपकी बहन को इस चीज़ का शदीद एहसास हुआ कि आपकी बहन की सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं खराब, फिजिकल हेल्थ भी खराब है। सच अ ब्यूटीफुल मंजर, लेकिन मेरी बस हो गई है, सबसे पीछे मैं हूँ और बारिश होने का इम्कान भी है, तो काफ़ी डेंजरस हो गया है, बट जाना तो है। तो जी गाइज, मेरा बैग इन अंकल ने पकड़ लिया इंसानी हमदर्दी के तहत जी। इतना हैप्पी आपकी बहन, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट सब। ज़रा बताएं क्या हालात हो गए, मरने वाली हो? नॉर्मल वैल्यू से 2 times 4 times ज़्यादा हो गया था, और उस टाइम पे आपकी बहन ने सोचा कि उंगली तो नहीं तुम्हारी, बस ज़ारा 5। घर आने के बाद पहला काम तो ये करना है कि अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इट वॉज सो शेमफुल फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, मैं वहाँ पर हाँप रही थी बुरी तरह, मतलब सभी हाँप रहे थे बट मैं सबसे पीछे थी, और वहाँ पर सब लोग प्रैंक कर रहे थे यार, क्या मतलब अभी 10 मिनट रहते हैं, 20 मिनट रहते हैं, अभी तो बहुत दूर रहते हैं, बोल के तब बस अभी आ गया। और इस तरह कर करके हमारे कंपनी के जो हमें लेके गए थे गाइड ने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया। बस बदनसीबी ये थी ना कि मैं सबसे आखिर में होती थी, और मुझे जब तक वो लोग स्टॉप पे रुके होते थे तब तक वो, मैं जब पहुंचती थी तब तक वो उठ के जाने वाले होते थे, मैं कहती थी यार सांस तो ले लेने दो। करीब हम लोग पहुंच चुके, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की थी हाइकिंग। तौबा, जान निकल गई, अब अपना चक्कर आ रहे हैं। अब ये जो जगह है ना, यहाँ से डेलीग्राम स्लिप होकर दोबारा गिर जाएंगे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी मेहनत से चढ़ के आए हैं। ये ना मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मेमूना, से कर दो विक्ट्री का निशान, विक्ट्री का निशान कर दो। आगे का सफर तो हसीन था, अरंकेल जैसी खूबसूरत जगह कश्मीर में शायद हो नहीं सकती, बहुत खूबसूरत जगह थी, और सबसे ज्यादा इंजॉय हमने उधर ही किया। और जैसे कि आपको भी मनाजिर दिखाए जाएंगे आगे इस वीडियो में, कि अरंकेल की खूबसूरती ने बस मुझे, मेरी सारी थकान और सारी जिसे कहते हैं जो एक स्ट्रगल थी पीछे की ऊपर आने की, वो सब कुछ वसूल कर दिया था, एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। अरंकेल का कभी नहीं भूलूंगी मैं। अभी डाल दो चौथा। ये हमारा रूम है। बकरियों फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। Hello. मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। हेलो बकरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। I love FJ. कोई आवाज बैक FJ को हमसे मोहब्बत नहीं है, लव यू टूनिया। कुकड़ू कुकड़ू करो हाथ जोड़ के, मैं आप भी आओ कैमरा में देखो, हाथ हिला दो, आप भी
अगर आप कश्मीर आए तो नेचुरल फर्टिलाइजर भी आपको फ्री में मिलेगा हर जगह पर। ये देखें देखें ये देखें ऐसे कैमरे में हाथ लगा, ऐसे करो, ऐसे से करो, ये नाजरीन सामीन। उसके बाद की आपको फुटेज कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि उसके बाद आपकी बहन बिल्कुल ऑफ हो चुकी थी। खैर हम फिर करते करते इस्लामाबाद पहुंचे हैं। महमूना कैसी हैं आप? मैं तो भाई निकल गई मेरी जाती जान उल्टियां कर करके। सेम हियर, मैंने भी तीन दफा आई, मैंने तो हैट्रिक पूरा कर लिया। अच्छा भी था कश्मीर का ये जो सफरनामा था और या भी जो भी सफर था बहुत अच्छा था, बहुत यादों से बहुत यादें इसमें मेरी महफूज हैं अच्छी वाली, और बहुत अच्छे दोस्तों बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला और नए नए लोगों को जानने का मिला। के कहते हैं ना कि आप किसी भी इंसान को जानने तो उसके साथ सफ़र करो, तो जिन लोगों के बारे में कुछ बुरी राय थी उनके बारे में मेरी राय बदली, जिनके बारे में थोड़ी अच्छी थी उनके बारे में भी थोड़ी बदली। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और सफ़र से आप बहुत कुछ सीखते हैं, सब्र, शुक्र और घर के आराम जो कि आपको मैसर नहीं होता सफ़र के दौरान, आप उसको उसकी कदर को जानते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, दुआ करें आपकी बहन को दोबारा मौका मिले, वो दोबारा किसी जगह पे जाए और आपके लिए कुछ अच्छा सफरनामा लेके आए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।